होलिका दहन के बाद होली के दिन धुलेंडी का पर्व मनाया जाता है। कई राज्यों में इसे होली कहते हैं। धुलेंडी को धुरड्डी, दुर्खेल, धुलिवंदन और चैतबदी आदि नामों से जाना जाता है। होली के अगले दिन धुलेंडी को पानी में रंग मिलाकर होली खेली जाती है, तो रंग पंचमी को सूखा रंग डालने की परंपरा रही है। कई जगहों पर इसका उल्टा होता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों मनाते हैं धुलेंडी। कहते हैं कि त्रेता युग के प्रारंभ में विष्णु ने धुलिवंदन किया था, इसकी याद में धुलेंडी मनाई जाती है। धूलवंदन अर्थात लोग एक दूसरे पर धूल लगाते हैं। ये भी कहते हैं कि इस दिन से ब्रज में श्री कृष्ण ने रंग उत्सव मनाने की परंपरा का प्रारंभ किया था, तभी से इसका नाम फगवा हो गया, क्योंकि यह फागुन माह में आती है और कृष्ण ने राधा पर रंग डाला था। श्री कृष्ण ने ही होली के त्योहार में रंग को जोड़ा था। कैसे मनाते हैं धुलेंडी? पहले ये होता था कि धुलेंडी के दिन सुबह के समय लोग एक दूसरे पर कीचड़, मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी या धूल लगाते थे, जिसे धूल स्नान कहते हैं। पुराने समय में शाम के समय धुलेंडी के दिन टेसू के फूलों का रंग बनाकर एक दूसरे पर लगाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। इस दिन लोग एकजुट होकर अपने रिश्तेदारों या समाजजनों के उन घरों में रंग डालते हैं जहां पर किसी की मृत्यु हो गई हो और उस घर की यह पहली होली हो। घर में रंग डालकर सभी को सूखा गुलाल लगाकर घर में गमी के माहौल को खत्म कर खुशी का माहौल बनाया जाता है। इससे घर का शुद्धिकरण भी होने की मान्यता है। इस दिन ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। एक दूसरे को रंगने और गाने बजाने का दौर दोपहर तक चलता है। इसके बाद स्नान कर विश्राम करने के बाद नए कपड़े पहनकर शाम को लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कटुता को भी भूलकर गले मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। गले मिलकर एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं। राग रंग के बाद कुछ लोग भांग खाते हैं और कुछ लोग भजिए या गुजिया बनाकर ठंडाई का मजा लेते हैं। गुजिया होली का प्रमुख पकवान है, जो कि मावा और मैदे से बनती है और मेवाओं से युक्त होती है। इस दिन कांजी के बड़े खाने और खिलाने का भी रिवाज होता है।